हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्कूल ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स क्या होता है हमारा? जब कंपनी लेस शेयर रिसीव करती है देन इशू टू पब्लिक, जब कंपनी शेयर कम रिसीव करती है पब्लिक को, मैं इशू करने जितने इशू करे हैं उससे कम शेयर्स को रिसीव करती है तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जैसे व्हेन कंपनी रिसीव लेस शेयर देन इशू टू पब्लिक, इट इज़ टू बी कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। इन दिस केस ऑल द शेयर्स फॉर विच द पब्लिक अप्लाई आर अलॉटेड, मतलब जितने भी शेयर्स पब्लिक ने भेजे हैं अप्लाई करे हैं उतने शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। इफ़ कंपनी रिसीव लेस देन 90%, अगर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सेबी गाइडलाइन कहती है कि 90% कम से कम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना चाहिए। अगर 90% से कम अगर का पैसा पब्लिक ने रिसीव किया, पब्लिक ने भेजा है शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी को विद इन 15 डेज के अंदर सारा पैसा वापस करना होगा। ठीक है, ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है। इसकी एंट्रियाँ सेम वैसे ही रहेंगी और क्वेश्चन जो है किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। प्लीज, ब्रिटानिया लिमिटेड इशूड 18,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन पेड ऑन 2 months आफ्टर अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 15,000 शेयर्स, आप देखते हैं कि 18,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने अप्लाई किया था और क्या नाम है, कंपनी ने इशू करे थे 18,000 शेयर्स और 15,000 शेयर्स, यानी कि अंडर सब्सक्राइब के अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया 3,000 शेयर्स तक के लिए। अब कंपनी ने कॉल वर्ड ड्यूली रिसीव्ड एंड द मेक आउट द जनरेट इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो गिव इट्स बैलेंस शीट। तो इसके एंट्री हम अब कंपनी जो है पास करेगी 15,000 शेयर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग मनी रिसीव्ड। 15,000 शेयर से मैं कंपनी को अपने पैसा रिसीव किया है और एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़ के हिसाब से 4,50,000 रुपीज़ बनता है, 4,50,000 4,50,000 रुपीज़। फिर आता है हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग मनी ट्रांसफर। अमाउंट आपकी वही रहेगी 4,50,000 शेयर्स की, के बाद हमारा अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी हमारी आएगी फोर्टी रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से
15,000 टू 40 के हिसाब से 6 लाख रुपीस। उसके बाद हमारा आएगा शेयर बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिसीव करेंगे हम अलॉटमेंट का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग मनी रिसीव्ड 6 लाख रुपीज से ये पैसा हमें रिसीव्ड हुआ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ड्यू 15,000 शेयर्स इंटू 30 के हिसाब से 4,50,000। फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग मनी रिसीव्ड। फोर लैख 50,000। ठीक है, आज हमने अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सीखा। अंडर सब्सक्रिप्शन के तहत हम लोग ने ये किया कि जब कंपनी लेस शेयर रिसीव करती है देन इशू टू पब्लिक, तो कंपनी लेस शेयर रिसीव करती है देन इशू टू पब्लिक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर से पैसा रिसीव करती है कंपनी उतने शेयर से एंट्री पास की जाती है, इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक एंट्री नहीं बनती। थैंक यू।